जी राम राम सभी भाइयों को, स्वागत है आपका राजमाथुर फिटनेस चैनल पर। सो गाइस, आज मैं कवर करने जा रहा हूँ शोल्डर का वर्कआउट। मैं टॉप 5 एक्सरसाइज परफॉर्म करने जा रहा हूँ जो कि आपके शोल्डर को अच्छी तरीके से ग्रो करेगी और आपके साइज को शोल्डर के गेन करने में मदद करेगी। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वन आर्म डंबल साइड लैटरल, और मैं इसको करूँगा मशीन को सपोर्ट को लेके। मेरा जो हैंड्स है वो इस तरीके से रहेगा और जो मूवमेंट है ये रहेगी, और जो दूसरा वाला हाथ है उसको आपको उसकी जो आपकी कलाई है उसको ऐसे बैंड करके रखना है। इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, वो सीधा रखते हैं, तो इस तरीके से इतना ऊपर लेके जाना है। और इसको आपको बहुत फास्ट नहीं करना, ये मूवमेंट रखनी है। सो गाइज, इसके जो रेपिटेशन है आपको 15 के 4 सेट करने हैं, और इसको ज़्यादा फास्ट लोग इस तरीके से करते हैं, जर्क करते हैं अपने आपको, ये रॉन्ग है। आपको इसको सिंपल वे में करना है इस तरीके से। बेशक आप वजन जितना मर्जी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मसल माइंड कनेक्शन होना चाहिए इस तरीके से। सो गाइज, हमारी सेकंड एक्सरसाइज है सीटेड डंबल प्रेस, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने वेट अपने अकॉर्डिंग ले रखा है इसमें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वेट ले लेते हैं और उनकी जो मूवमेंट है वो रॉन्ग हो जाती है, हिलते हैं, जर्क लेते हैं वो, और उससे उनके इंजरी भी क्रिएट हो जाती है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर वेट जो है वो आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है, जिससे आप मसल्स को अच्छी तरह टारगेट कर पाओ। और ज़्यादा वजन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप वजन ले रहे हो और एक्सरसाइज करते जा रहे हो और मसल पे कोई मूवमेंट नहीं है। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से डंबल को लेना है और ऊपर लेके जाना है, होल्ड करना है। इसको बहुत फास्ट नहीं करना आपको, इसके जो रेपिटेशन है आपको 15 के 4 सेट करने हैं। अभी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो टॉप 5 एक्सरसाइज की जो सीरीज चली हुई है उसी को परफॉर्म कर रहे हैं। सो गाइज, हमारी थर्ड एक्सरसाइज है फ्रंट राइजेज, लेकिन हम इसको प्लेट से कर रहे हैं, तो ये प्लेट फ्रंट राइजेज होगी। बहुत सारे लोग इसको डंबल से करते हैं, लेकिन प्लेट से ज़्यादा इफेक्ट अच्छा आता है, तो प्लेट से परफॉर्म कर रहा हूँ। मेरे जो हैंड्स की मूवमेंट है वो प्लेट्स में इस तरीके से है, और जो हाथ है मेरे सीधे अंगूठे ऊपर की तरफ है, और मैं अब इसको आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। इसके जो रेपिटेशन है वो भी 15 के 4 सेट करने हैं, तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से इस वर्कआउट को परफॉर्म कर रहा हूँ। अपने सिर से थोड़ा सा नीचे रखना है इसको, और अपने ट्रैप्स पे फोकस करना है। इसको बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, मूवमेंट जो है वो आप देख रहे हो मेरा मसल कहाँ चल रहा है, और इसी पार्ट की एक्सरसाइज के लिए मैं इस प्लेट से परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। सो गाइज, हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है अपराइट, और मैं इसको परफॉर्म करने जा रहा हूँ। इसके जो रेपिटेशन है वो 15 के 4 रखने हैं, और जिस भी भाई का शोल्डर का ये पोर्शन जो है वो वीक है तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर परफॉर्म करें। तो इसको जो हैंड्स की मूवमेंट है वो इतनी रखनी है जितने आपके शोल्डर हैं, और इस तरीके से रॉड को रखना है नीचे, अपनी चेस्ट के पास लेके आना है इसको यहाँ तक, और देन डाउन करना है। सो गाइज, हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है शोल्डर सरक्स, और मैं इसको परफॉर्म करने जा रहा हूँ डंबल से। डंबल मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखे हैं, और इसमें 15 के 4 रेपिटेशन रखने हैं। तो ये किस तरीके से परफॉर्म करनी है, आपको डंबल लेने हैं, अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ लेके जाना है, देन नीचे लाना है। इसको बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, सो गाइज, ये थी टॉप 5 एक्सरसाइज ऑफ शोल्डर जो मेरे अकॉर्डिंग थी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो राजमाथुर ऑफिशियल के नाम से फॉलो कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।